तो स्टूडेंट बी रेडी, टुडे वी आर रिवाइजिंग अवर टॉपिक विच इज कॉल्ड स्टैटिक्स. ओके, एंड यू नो इट वेरी वेल. मैं कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जिनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास एंड पोल इज दिस. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये सबका ठीक होना चाहिए. हम कैसे डिफाइन करते हैं क्लास मार्क्स? वेरी गुड. अगर आप देखेंगे तो क्लास मार्क्स कैन बी डिफाइंड एज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो वी कैन से 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 मींस 35. 35 कैन बी रिटन एज 17.5. तो आपके पास ये ऑप्शन है. ओके, ऑप्शन बी. नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 2. एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? In question number 2, he said, which of the following is based on all the observation of the data? देखिए, generally, हम 3 things करते हैं बच्चे. एक हम करते हैं mean, एक हम करते हैं mod, और एक हम करते हैं median. ठीक? तो ऐसी कौन सी observation है? ठीक है? Which of the following is based on all the observation? जिसमें सारी की सारी observation क्या हो? Based on mean, median, mod, or none of these. Here is the poll. बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे जैसे हम रूटीन में करते हैं. जस्ट अ बेसिक. इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है मीडियन. जो सारी ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व करके बनता है दैट इज कॉल्ड मीडियन. आप में से बहुत सारे बच्चों ने मीडियन ही लिखा है. ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो भी क्या है? मीडियन ही है. नेक्स्ट आ रहा हूं बच्चे. ये जो क्वेश्चंस है ना मीन वाले, तो ये इस बार के पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको बाद में डिस्कस करूंगा. अब आइए क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज दिस एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ गिवन डाटा? कि जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, सबसे लीस्ट और सबसे हाईएस्ट, वो इनमें से किस ऑप्शन को फॉलो करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, वैसे मैसेज करके बता दीजिए
देखिए, देखिए जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना, वो किसको इफेक्ट नहीं करती? मीडियन को क्या नहीं करती? इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि जस्ट काउंटिंग में आता है। आप सबको पता है ना मीडियन कैसे निकालते थे हम? उनको अरेंज कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल मिडल में वैल्यू होती है उसमें है। अब देखिए, अगर सबसे पहले वाली वैल्यू 10 है और सबसे ऊपर वाली वैल्यू 3000 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो बीच में वैल्यूज देखनी है। तो ये मीडियन की वैल्यू को क्या नहीं करती बच्चे? अफेक्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, और मैं इसके लिए पोल भी लॉन्च करूंगा। आई थिंक ये किसी, हाँ, आप में से कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन पढ़ा है कभी? सभी को ओपन कर रहा हूं। सर नहीं पढ़ा ये। नो सर, नहीं पढ़ा है सर। फायर नहीं छोड़ा है सर, नहीं पढ़ा। नो सर, पढ़ा है। वेरी गुड। व्हाट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा? ठीक, जब हम किसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो किसको कंसिडर करना होता है बच्चे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, दैट इज कॉल्ड फॉल्स बेसलाइन। सबसे पहले जब भी आप बनाते हैं तो एक लाइन बनाते हैं ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स बेसलाइन। तो ये हमारे पास इसका क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है। अब दूसरा देखिए, जल्दी जल्दी से हम इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को पूरा ध्यान से रीड करना है। हिस्टोग्राम इज, इज प्रिपेयर्ड इन विच सीरीज? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन का आंसर आप सारे बढ़िया दे रहे। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, हिस्टोग्राम हमेशा हम किस में डिफाइन करते हैं? जब आपकी क्या हो, कंटिन्यूस हो। ठीक, किस सीरीज में? इंडिविजुअल पे भी नहीं होता, इन पे डिस्क्रीट पे भी नहीं होता। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट पे तो हम बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? बार ग्राफ। और हिस्टोग्राम कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब हमारी ऐसी सीरीज हो, 10, 20, 30, 40, समथिंग लाइक दैट। जब कंटिन्यूस होगी तो तब हम उसमें क्या करें, ड्राउट करते हैं, हिस्टोग्राम ड्राउट करते हैं। ओके, तो आपके 11th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लीजिए, और 65% कैंडिडेट ने इसको ठीक किया। बच्चे अभी मैं मीडियन मॉड के
क्वेश्चंस नहीं आपको करवा रहा, ठीक है, थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा क्या है, ठीक है। यस शख्सम सर, सर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 तो समझाना। क्या नहीं पता चला बच्चे इसमें 8 में? सर क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया। बच्चे जब हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बार ग्राफ, स्टैटिक्स या बार ग्राफ या हिस्टोग्राम कुछ भी, तो हम सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं ना। यस सर। फिर वर्टिकल बनाते हैं। ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स बेस लाइन को। बस। यस नरेंद्र। सर सर अगले क्वेश्चन आए कि डिस्क्रीट ग्राफ कौन सा होता है, तो हम आंसर क्या देंगे? डिस्क्रीट, हम बार ग्राफ को डिस्क्रीट बोल सकते हैं बच्चे। सर डिस्क्रीट मींस? डिस्क्रीट मींस टूटा फूटा, अलग अलग। ओके सर। कंटिन्यूस मींस लगातार। अब देखो जैसे अगर आप किसी का भी कोई डायग्राम बना रहे हो, ऐसे लिख रहे हो 10, 20, 30, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। और अगर आप लिख रहे हो 10, 30 फिर 40 फिर 80, इसका मतलब ये क्या है? डिस्क्रीट है। ओके सर। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन चलो मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए था, बट फिर भी एक बार पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, मॉड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? We have three formations, mean, mod and median. तो mod किस चीज को represent करता है हमारे पास? Mod of a data is, what is mod? Very good, very good. अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। चलिए सबको ओपन कर रहा हूं और सभी आंसर बता, कोई नाराज ना हो जाए कि मेरे से नहीं पूछा। बच्चे मॉड रिप्रेजेंट करता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और मीडियन रिप्रेजेंट करता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। ओके तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। वेरी गुड। अब आइए, अब छोटे छोटे से क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, हाँ हाँ पोल लॉन्च करूंगा बच्चे, डोंट वरी। ये तो पता ही होगा आपको सबको, ये मैं क्या बताऊं? स्टैटिक्स किसकी ब्रांच है? यस मोहक। सर मीकुना मीन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वो एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करता है बच्चे, सभी डाटा की एवरेज वैल्यू। अच्छा ओके सर। तो बच्चे ये तो आपको पता ही होगा स्टैटिक्स किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की। सबको इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसकी ब्रांच है?
मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की ब्रांच है। चलिए अब दूसरा चलते, स्टैटिक्स डील विद, स्टैटिक्स किसके साथ डील करता है? एंड पहले वाले का ऑप्शन देख लो, आपने क्या आंसर दिया है? 85% कैंडिडेट ने ए लिखा था, वेरी गुड। ओके अब बी, पोल आपकी स्क्रीन पे साथ साथ चल रहे हैं, आप देखिएगा। अच्छा आंसर मत बोलिएगा, बताइए पोल आपकी सभी की स्क्रीन पे आ रहा है ना? ओके, और आप सबको जब मैं पोल का रिजल्ट शो करता हूं तो दिख भी जाता है कौन सा बच्चा, सॉरी कितने बच्चों ने क्या लगाया। हाँ जी, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एंड सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। देखिए जब आपने सेवेंथ एट्थ में किया था तो सबसे पहले हमने ऐसे टैली मार्क्स लगाने शुरू किए थे, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। फिर हमने उसको छोटे से रिप्रेजेंट करना शुरू किया, हिस्टोग्राम बार ग्राफ समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद उससे एनालिसिस करना शुरू किया, क्या गलत है क्या सही है, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो हम इसमें बड़ी सेफ चॉइस के साथ जाएंगे, कौन सा? सी ऑप्शन के साथ। ओके बोथ ए एंड बी। अच्छा जब मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा था बच्चे, तो मैंने आपको स्टैट बताया था कि ये किस लैंग्वेज से आया है और ये किस वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। ये आपके पास फोर रही, हाँ जी आप बोल सकते हैं आंसर। वेरी गुड, इट्स द प्लूरल वर्ड, इट्स द प्लूरल ऑफ द वर्ड डेटम, वेरी गुड। ठीक, और एक चीज और देखिएगा, चेक कीजिए, सारा इंडिया फोर पार्ट्स में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके अगर तुक्का ही लगाना था तो डाटा से लगा देते, हम लेटा थोड़ा लिखते हैं डाटा लिखते हैं, तो डाटा ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड डाटा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, ये थोड़े से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं बच्चे, थोड़े से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हम जनरली रीड करने के लिए यूज करते हैं स्टैटिक्स में। अब ये नहीं गलत होना चाहिए किसी का, और मैं और आप ये कहते हो कि मेरे फोन में आज ये खत्म हो गया था डैश डैश डैश, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाई। क्या बोलते हैं बच्चे? डेटा, किसी डेफिनेट पर्पस के लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक, और ये सेवन कैंडिडेट डी वाले भी हैं। ओके
अब हमने एक छोटा सा टॉपिक किया था बच्चे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो फिफ्थ वाले का आंसर वैसे ही बोल दीजिए ओरली। वेरी गुड, तो वी कॉल इट प्राइमरी डेटा। चलिए अब रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। इसको हम किस तरह का डेटा बोलेंगे? रीड द क्वेश्चन नंबर सिक्स। सर प्राइमरी डेटा। सर प्राइमरी डेटा। वेरी गुड, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी 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 डेटा। एक टीचर ने अपनी तरफ से उस डेटा को कलेक्ट किया है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और अच्छा अब एक चीज है कि टीचर ने वो लिस्ट आपको दे दी कि जाओ ये दूसरे टीचर को दे आओ, और आप उसमें से डेटा रीड कर रहे हो, तो वो आपके लिए कौन सा डेटा होगा? और एक चीज देखिए, हम दूसरे का डेटा देखने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं कि दूसरे के नंबर कितने आए हैं। ठीक, हमें अपने नंबरों से कोई लेना नहीं होता। ठीक, तो दिस वन, अब इसी में आई आइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन बचे, इंक्रीज करूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आई रेंज, ये भी हमारा एक मेजर पार्ट है। व्हाट इज रेंज? वेरी गुड, आप ऑप्शन में फिल कीजिए। वेरी गुड गौरी, रितंजय, ओके। देखिए व्हाट इज रेंज, चेक द हाईएस्ट वैल्यू विच इज 19, फाइंड द लोएस्ट वैल्यू विच इज 4, 19 एंड 4, एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 4 विच इज इक्वल टू। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, बट रिजल्ट देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास के लिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और अपनी अपनी कॉपी पेन के साथ जो आपसे पूछ रहा है वो बना के रेडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्लास साइज कितने का होना चाहिए? 15 का। सिक्सटी हमने कौन सी लिमिट यूज करनी है?
लोअर लिमिट। मीन्स टू से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ऐसे होगा 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105, 105 to 120, and 120 to 135। इसके अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी हमने वो फाइंड आउट कर। और इसलिए करवा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। देखिए वन टिक कर रहा हूं, ये आएगी बच्चे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, आपका आंसर क्या है 6। और आपने क्या क्या लगाया है बस देखिए। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से करना है, ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं हम स्टैट के, बड़े सिंपल से, ठीक है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है पूरा फोकस कीजिए क्वेश्चन के ऊपर, ओके। हाँ आगे ध्यान से, पूरे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12। आपको 2 मिनट दूंगा, डोंट वरी। कलेक्ट कर लीजिए। फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल ऑफ विड्थ 50, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ क्लास इंटरवल। चलिए यहां से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इस पे मूव करते हैं, हम आगे मूव करते हैं, इसको कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ आएगा। हाँ जो सही करने वाला क्वेश्चन है बच्चे वो आए, क्वेश्चन नंबर 13। इस पे आइए और इसके लिए मैं पोल भी लॉन्च कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 वो थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, तो वो जब आपके पास पीडीएफ आएगा उस पे देख लीजिएगा। वेरी गुड बच्चे, बड़ी एक सिंपल सी आपके पास इसमें कम्युनिकेशन होती है क्वेश्चन में। उसने कहा कि ये आपका 15 टू क्या है, हम इसको कंटिन्यूस बनाते थे, ठीक। तो जब हम इसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते थे तो हम 0.5, देखिए गैप कितना था, 0.5 इसमें से कम कर देते थे, इट बिकम्स 14.5,
और इसमें 0.5 ऐड कर देते थे, इट बिकम्स 19.5। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता था दैट इज सी। समझ गए? अब देखते हैं, पांच बच्चों ने मेरे आंसर देने के बाद ऑप्ट किया है, बाकियों ने पहले ही ऑप्ट कर रखा था। ओके, नेक्स्ट आ गई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, देखिए क्या है, कैसे करते हैं हम इसको। देखिए इसने क्या कहा, सरनेम, पहले तो मैं ऑप्शन बताऊंगा फिर आएंगे हम उसमें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, बट एक बहुत सारे बच्चे एक गलती कर गए, उन्होंने जल्दी से ए को देखा, किसी ने जल्दी से किसको देख लिया, 40-50 वाले को देख लिया और ए और सी में चले। बट जिन्होंने अच्छी तरह से देखा उन्होंने डी ऑप्शन भी देखा कि बोथ ए एंड सी आर सेम। चेक कीजिए, तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन में यही होता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर वो आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है तो उसको बड़ी अच्छी तरह से क्या कीजिए, रीड कीजिए। ओके, नहीं तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं पूरे पूरे। चलिए, एक अब हम करते हैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप सबको पता था कि हम कब इनको ग्राफिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम लॉन्चिंग द पोल, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15, देन आई विल हेल्प। तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
देखिए बच्चे, ये जो डाटा है ये डिस्क्रीट डाटा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बार ग्राफ। ओके, आगे चलते हैं। हिस्टोग्राम, आपको लग रहा होगा जैसे हम इन सब की हिस्ट्री सी पढ़ रहे हैं। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आ गया, पोल भी आ गया। लेट अस स्टार्ट। इन हिस्टोग्राम द हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर, कैसी होती है? देखो, आपने हिस्टोग्राम बनाया तो बहुत बार होगा, अब यहां पे आप लगा रहे हो तुक्के। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरे को एग्जैक्टली मैंने रीड किया है या मेरे को पता है? यस, ऑल आर ओपन राइट नाउ। सर सी पढ़ा सर, मैंने मैंने सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब जानते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर बी। सर बी। अब सी। अब मैंने ऑप्शन डी। सर सी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर सी। चलिए कोई बात नहीं, लगाते जाइए। आप ये चीज बनाते हो तो ये कैसे बनाते हो? जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बच्चे वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास। अब कॉरस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ है विड्थ, इस विड्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। हम क्या डिफाइन करते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग बनाते हैं। जितनी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ऊपर की तरफ होगा, जिसकी कम होगी वो क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी है। ठीक, तो ऐसे गलती करके आएंगे जब हम एग्जाम में जाएं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि स्टैटिक्स का क्वेश्चन हम गलत करें। ठीक, चलिए एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी शिल्पा। सर कुछ नहीं, मैंने आंसर देने के लिए हैंड रेज किया। ओके, स्टार्ट विद दिस पोल, क्वेश्चन नंबर 17। वेरी गुड, वेरी गुड, कैरी ऑन। देखिए क्या करें, द हिस्टोग्राम वी यूज बार्स एंड वैल्यूज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बार ग्राफ। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ? द लेंथ ऑफ द बार इज सच दैट देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसीज। वेरी गुड। द यूज कंटिन्यूस क्लास इंटरवल इनस्टेड ऑफ वेरिएबल्स। हिस्टोग्राम में हम कंटिन्यूस यूज करते हैं,
बट जब हम इसमें ऑप्शन चूज करने जाएंगे, बिकॉज पहली दोनों ट्रू हैं, तो हम किस पे जाएंगे? दिस वन। और मेरा सलूट है ए वालों को भी नहीं, बी वालों को भी नहीं, सी वालों को नहीं, आई सलूट जिन्होंने डी लगाया। ओके, नो डिफरेंस बच्चे, देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा इनको चेक किया करो, हो सकता है डी गलत भी लग गया हो, बट योर ऑप्शन इज सी। अच्छा अब आ जाइए, इसको गलती नहीं करना। 18 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक तो मैं ऐसे बनाता था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सपोज कीजिए ये पॉइंट्स हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती थी, मतलब जो ब्लू मैंने लगाई है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब आप चेक करके बताइए आगे क्या होता था। ये तो एक आपको बता ही गया, एक ऐसे भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती थी, हम उनके डॉट्स लगाते थे और ऐसे करके उनको जोड़ देते थे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो होगा डी, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हम विद हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब देखो आपको एक चीज लगी होगी कि हमने तो मीन मॉड मीडियन करने सीखे, बट अगर आप अपने सिलेबस में जाओगे बच्चे फॉर दिस टाइम, तो आप फाइंड आउट करोगे कि मीन मॉड मीडियन अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो ये कट है। तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि किस तरह से क्लास साइज, क्लास विड्थ एंड समथिंग एल्स। ओके, तो ये हमारा कुछ आज का क्या था, रिवीजन सेशन था। ओके, और मैं अभी आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा अगर आप कुछ भी इसमें पूछना चाहते हैं।